बहुत दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली और सोहन अपने पुंगी चाचा से मिलने उनके गांव जा रहे हैं। पुंगी चाचा जिस गांव में रहते हैं वो गांव गुल्ली बुल्ली के शहर से काफी ज्यादा दूर है। पुंगी चाचा के गांव जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं। शाम होते ही गाँव जाने वाला रास्ता काफी ज्यादा सन्नाटा हो जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि शाम होते ही जंगली जानवर गांव के अंदर आ जाते हैं और जो कोई भी रात को घर से बाहर निकलता है उसे जंगली जानवर उठा ले जाते हैं और फिर उस इंसान का कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। और तो और गांव के कई सारे कुत्ते भी लापता हो चुके हैं। आए दिन गाँव के लोग या गाँव के पालतू जानवर उन जंगली जानवरों का शिकार होते रहते हैं क्योंकि पुंगी चाचा का गाँव जंगलों के बीचों बीच में है। गुल्ली बुल्ली और सोन बस के अंदर से ही देख रहे हैं कि जंगल के अंदर कई सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं और उनमें से कुछ जानवर तो रोड के किनारे पे आकर खड़े हैं। बस ड्राइवर बस को काफी तेजी से लेकर जा रहा है। लगता है ड्राइवर को ये बात पता है कि ये इलाका जंगली जानवरों का है और इसी वजह से बस का ड्राइवर बस को काफी तेजी से लेकर जा रहा है। ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी रास्ते में एक बस स्टॉप आता है और उस बस स्टॉप पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। बस का ड्राइवर उस बूढ़े आदमी को बस स्टॉप पे खड़ा देख बस को रोक देता है। बस को रुकता देख वो बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए बस के अंदर चढ़ जाता है और फिर तुरंत ही बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करके गाँव की तरफ ले जाने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोन आज तीनों काफी ज्यादा खुश है कि आज ये लोग पुंगी चाचा से मिलने उनके गाँव जा रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी गुल्ली के आगे वाले सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी सोन गुल्ली से कहता है, देख रहे हो ना गुल्ली, वो बेचारा बूढ़ा आदमी अपने आप से ही बातें कर रहा है। तुम भी जब एक दिन बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे ही बड़बड़ाओगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम बूढ़े होकर कैसे दिखोगे। सोन की ये बातें सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे सोन, तुम्हें ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहले से ही ये अंकल काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। चुपचाप होकर बैठो तुम, नहीं तो ये अंकल तुम्हें बस से नीचे फेंक देंगे और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुल्ली सोन को ये सब कह ही रहा होता है तभी वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी काफी गुस्से में गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ देखता है। अंकल को गुस्से में देख गुल्ली अंकल से कहता है, अरे अंकल, हम लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, आप बैठ जाइए। तभी वो बूढ़ा आदमी गुल्ली से कहता है, अरे बच्चों, तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो तुम लोग हो जो यहाँ आए हो। मैं कहता हूँ चले जाओ तुम लोग यहाँ से, मेरी बात मानो, नहीं तो तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सोन कहता है, अरे अंकल, ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं, आप हम लोगों को डराना बंद कीजिए। तभी गुल्ली कहता है, ठीक है अंकल, हम लोग सुबह ही अपने चाचा से मिलकर यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोग यहीं मरोगे। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी बस ड्राइवर को बस रोकने को कहता है। अरे ये क्या है, ये सड़क के बीच में कौन है और ये किसी परछाई की तरह क्यों दिख रहा है। बस का ड्राइवर उस परछाई को देखकर अचानक से बस को रोक देता है। बस के रुकते ही वो बूढ़ा आदमी बस से दौड़ते हुए नीचे उतर जाता है और वो परछाई भी अचानक से गायब हो जाती है। बस से नीचे उतरते ही वो बूढ़ा आदमी काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे ये क्या, वो बूढ़ा आदमी उस परछाई के साथ अचानक से गायब हो गया। ये देखकर बुल्ली ड्राइवर से कहता है, अरे तुम रुके हुए क्यों हो, तुमने देखा नहीं कि ये सब क्या हो रहा, जल्दी से बस को यहाँ से भगाओ। मुझे तो उस बूढ़े आदमी पे पहले से ही शक था कि वो कोई इंसान नहीं है। बस का ड्राइवर कहता है, हाँ हाँ, मैंने देख लिया सब कुछ। और ये कहकर बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है। अरे ये क्या, ये तो वही बूढ़ा है जो बस के अंदर बैठा था, इसने तो बस को पीछे से हवा में उठा रखा है और उस बूढ़े की मदद वो परछाई भी कर रही है। सोन गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, तुमने कुछ महसूस किया। तभी गुल्ली कहता, अरे हाँ सोहन, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बस को पीछे से उठा रखा है और हम लोग हवा में लटके हुए हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पे ड्राइवर आ जाता है। ड्राइवर कहता, अरे तुम लोग ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। ये कहकर ड्राइवर बस से नीचे उतर जाता है और बस के पीछे जाने लग जाता है। अरे ये क्या, ड्राइवर ने जैसे ही देखा कि वो बूढ़ा आदमी और वो परछाई दोनों मिलकर बस को पीछे से उठा रखा है तो ये देखकर ड्राइवर की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। बुल्ली बस के अंदर से ही ड्राइवर को जंगल की तरह भागता हुआ देख लेता है और उसके पीछे पीछे उस बूढ़े आदमी को भी। बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बुल्ली सोन और गुल्ली से कहता है, अरे वो हमारा ड्राइवर तो दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। तभी गुल्ली कहता है, तो हम लोग बस के अंदर बैठकर क्या करें, चलो बस से नीचे उतरकर देखते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ये तीनों बस से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लग जाते हैं। इन लोगों के बस से नीचे उतरते ही जंगलों के अंदर से काफी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन से कहता है, अरे ड्राइवर तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कौन सी मुसीबत में फंस गए गुल्ली। तभी सोन जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे गुल्ली उधर देखो, उधर से कुछ आवाजें आ रही है। बुल्ली मुझे लगता है हमारे बस का ड्राइवर कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, अरे हाँ हाँ, हम लोगों को जाकर देखना चाहिए। सोन और बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली कहता है, तो ठीक है चलो चलकर देखते हैं। अरे रुको रुको गुल्ली बुल्ली, मुझे अकेला मत छोड़ो। तीनों दौड़ते हुए बस से काफी ज्यादा दूर जंगल के अंदर आ जाते हैं।
जंगल के अंदर आने के बाद वो डरावनी आवाजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों को दूर दूर तक वो ड्राइवर और बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, और अब तो उस ड्राइवर की चीखने की आवाजें भी आनी बंद हो गई थी। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, वो देखो गुल्ली, उधर कुछ दिखाई दे रहा है, चलो जल्दी जाकर देखते हैं। ये कहकर तीनों उस तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो अपना बस का ड्राइवर है, लेकिन ये जंगल में सो क्यों रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। गुल्ली बुल्ली और सोन ड्राइवर को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये ड्राइवर को अचानक से क्या हो गया, कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया। ड्राइवर को बेहोश होता देख गुल्ली कहता, अरे इसे ये क्या हो गया, कहीं ये मर तो नहीं गया, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बुल्ली गुल्ली की बातें सुनकर बुल्ली कहता, अरे गुल्ली ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, किसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो, हो सकता है कि ये दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा थक गया हो और अचानक से गिरकर बेहोश हो गया हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। गुल्ली ये मत भूलो गुल्ली कि ये हमारे बस का ड्राइवर है, यही हम लोगों को चाचा के गाँव तक पहुँचाएगा, और बिना इसकी मदद के हम लोग चाचा के गाँव कैसे पहुँचेंगे। तभी सोन भी गुल्ली से कहता, अरे हाँ हम लोगों को इंसानियत के नाते इसकी मदद करनी ही चाहिए, हम लोग इसे जंगल में ऐसे बेहोश छोड़कर नहीं जा सकते। बुल्ली ड्राइवर के पास जाकर उसकी सांसें चेक करता है। बुल्ली कहता, अरे ये बेचारा मर चुका है, इसकी सांसें नहीं चल रही है। बुल्ली की ये बातें सुनते ही सोन कहता है, तब तो हमें इसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। सोन की ये बातें सुनते ही बुल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोन से कहता है, अरे सोन तुम पागल हो गए हो, हम लोग इसे यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये जंगल है, यहाँ कोई भी जंगली जानवर आकर इसे खा सकता है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बुल्ली, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमें भी जानवर खा जाएंगे, चलो जल्दी जाकर किसी की मदद लेकर आते हैं। और ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों किसी की मदद लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ड्राइवर को अकेले यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, उन तीनों को ड्राइवर को भी अपने साथ ही लेकर जाना चाहिए था। थोड़ी देर में ये लोग जंगल से निकलकर बाहर अपने बस के पास आ जाते हैं। बस के पास आते ही ये लोग देखते हैं कि बस तो काफी बुरी तरीके से जली हुई है, और इस बस को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली सोन इसी बस से आए हैं। इस बस को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जगह से कई सालों से हिली भी नहीं है। और ये क्या, बस के बाहर तो गुल्ली बुल्ली और सोन का बैग पड़ा हुआ है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली सोन तो अपनी बस को देखने में लगे हुए हैं, लेकिन पीछे से जंगली जानवर आ चुके हैं। इन तीनों को जैसे ही अपने पीछे से जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है, तभी ये तीनों पीछे पलटकर देखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक हाथी और एक गोरिल्ला आ चुका है। इन जंगली जानवरों को देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ये सोचने में लगे हुए थे कि इन जंगली जानवरों से बचा कैसे जाए, तभी अचानक से इन लोगों को एक तेंदुए की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो सचमुच का तेंदुआ है, कहीं ये तेंदुआ गुल्ली बुल्ली और सोन को खा ना जाए। तेंदुए की आवाज सुनते ही वो सारे जंगली जानवर गुल्ली बुल्ली और सोन को छोड़कर भाग जाते हैं। अरे ये तीनों खड़े होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी इन लोगों को कहीं छिपना होगा। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों दौड़कर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। बुल्ली उस बड़े से चट्टान के पीछे से झांक कर तेंदुए को देख रहा होता है। अरे ये क्या, सोन और गुल्ली तो दूसरे चट्टान के पीछे छिपे हुए हैं। गुल्ली और सोन भी उस तेंदुए को झांक कर देख रहे हैं कि वो तेंदुआ गया या नहीं। सोन गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, तेंदुआ गया या नहीं। गुल्ली देखता है, अरे ये क्या, यहां से तो तेंदुआ गायब हो चुका है, लगता है वो तेंदुआ जंगल के अंदर चला गया। तभी गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन अब डरने की जरूरत नहीं है, वो तेंदुआ यहां से चला गया है, अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। गुल्ली की ये बातें सुनते ही सोन कहता है, अच्छा हुआ कि वो तेंदुआ यहाँ से खुद से ही चला गया, वरना मैं उसे जान से मार देता। तुम तो मुझे जानते ही हो गुल्ली कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। सोन की ये बातें सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो, अगर वो तेंदुआ यहाँ से नहीं भागता तो उस तेंदुए को तुम ही खा जाते। अरे सोन बुल्ली कहाँ गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लगता है गुल्ली को ये बात पता नहीं है कि बुल्ली सोन से भी ज्यादा डरपोक है और वो दूसरे चट्टान के पीछे जाकर छिपा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो बस में चढ़ा था और बस ड्राइवर को दौड़ाते हुए जंगल में ले गया था, कहीं बस ड्राइवर को जंगल के अंदर इसने ही तो नहीं मारा है। बुल्ली इस बूढ़े आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गुल्ली और सोन दौड़ते हुए बुल्ली के पास आ जाते हैं। गुल्ली जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखता है तो गुल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुल्ली उस बूढ़े आदमी से कहता है, अरे आप कौन हो और आप हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, और आपने हमारे उस ड्राइवर को क्यों मारा, आखिर हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप जो कोई भी है चुपचाप यहाँ से चले जाएं और हम लोगों को भी यहाँ से जाने दें, मैं पहले ही आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ, बाद में मुझे मत कहना कि पहले तुमने बताया नहीं। गुल्ली की ये सारी बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, अरे तुम मुझे इन धमकियों से डराना चाहते हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, ये पूरा का पूरा इलाका मेरा है, तुम लोग यहाँ से बचकर जा ही नहीं सकते, मैंने तुम लोगों को पहले ही बस के अंदर कहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी मेरी बात को नहीं माना, अब तुम सब मरोगे यहाँ पे।
ये सारी बातें सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है और तुम हम लोगों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो। तभी सोन बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली तुमने वो कहावत सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे लगता है कि ये वही भूत है, इसे भी कुछ खर्चा पानी देना ही पड़ेगा तभी ये मानेगा। सोन की ये बातें सुनते ही वो बूढ़ा आदमी काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। जोर जोर से हंसने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग और मुझे मारोगे, जरा अपने पीछे मुड़कर देखो। अरे ये क्या, ये तो वही शैडो वाला भूत है जो अचानक से बस के आगे आ गया था, ये फिर से वापस आ गया और गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही बढ़ रहा है। अरे ये क्या, इसने तो गुल्ली को एक जोरदार चाटा मार दिया और गुल्ली जमीन पे गिर गया। अरे ये कैसी आवाज है, अरे ये क्या, ये तो अपना बाबा बाइक से इस तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन बाबा को ये बात कैसे पता चला कि गुल्ली बुल्ली और सोन इसी जगह पे मुसीबत में फंसे हुए हैं। बाबा उस जली हुई बस को देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है और बाइक को अचानक से रोक देते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो उस शैडो को देख लिया है और अपनी बाइक को उस शैडो की तरफ ही ले जा रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो अपनी बाइक से उस शैडो को ही ठोक दिया। उस शैडो को जमीन पे गिराते कुछ बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी बाबा से कहता है, अरे तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये हमारा इलाका है, चुपचाप यहाँ से तुम चले जाओ, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, अगर मेरे बेटे को गुस्सा आ गया तो तुम जानते नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे ये क्या, ये दोनों तो काफी ज्यादा डरपोक निकले। बाबा के दो चार हाथ पड़ते ही बाप बेटा दोनों गायब हो गए। इन लोगों को बाबा के हाथों पीटता देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, अरे तुम लोग इतना ज्यादा खुश मत हो, मुझे तो तुम लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बुल्ली कहता है, लेकिन क्यों बाबा, आप हम लोगों पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। तभी बाबा बुल्ली से कहते हैं, बेशर्मी की भी हद होती है, एक तो बिना बताए तुम लोग फुंगी से मिलने उसके गाँव जा रहे हो और मुझे बताना तक तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा, अगर तुम लोग मुझे पहले बताते तो मैं भी तुम लोगों के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता, वो तो अच्छा हुआ कि आलोक ने मुझे सारा कुछ बता दिया। तभी गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं बाबा, आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं मैं गलत कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, तुम लोग ऐसे ही हो, हमेशा तुम लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हो, कहीं भी घूमने के लिए अकेले अकेले चले जाते हो और जब किसी मुसीबत में पड़ते हो तो मुझे आकर तुम लोगों को बचाना पड़ता है, अगर ये बात मुझे आलोक से पता नहीं चलता कि तुम लोग पुंगी से मिलने जा रहे हो तो पता नहीं आज तुम लोगों का क्या होता। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं, हम लोग आपके घर गए थे लेकिन आपके घर पे ताला लगा हुआ था। हाँ हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग आपको लेने के लिए आपके घर पे गए थे लेकिन आप घर पे नहीं थे, इसलिए हम तीनों ही पुंगी चाचा से मिलने के लिए जाने लगे। सोन की ये बातें सुनते ही बाबा कहते हैं, तब ठीक है, सोन कह रहा है इसलिए मैं तुम दोनों के बातों पे विश्वास कर रहा हूँ, चलो अब जल्दी से पुंगी से मिलने के लिए चलते हैं, पुंगी हम लोगों को अचानक से देखकर काफी ज्यादा खुश होगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पुंगी चाचा से मिलने के लिए उनके गाँव चले जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।